क्या कह रहे थे तुम राणो जी? कोई मदद चाहिए? जी साईं। जाओ, तुम्हारी पत्नी कावेरी बाहर खड़ी है, बात करो उससे। क्या बात है, यहाँ क्यों है? घर का राशन खत्म होने को है, मुझे रसोई के लिए कुछ अनाज खरीदना है तो पैसे लेने आई हूँ। हाँ तो फिर यहाँ क्यों आई? घर में भी तो मांग सकती थी ना। ये लो। इतने कम? सेठ जी ने तो काफी ज्यादा दिए थे। मेरे पास जितने थे मैंने दे दिए, बाकी खर्च हो गए। खर्च हो गए कहाँ? ना आप घर का राशन लाए, ना कंबल बनाने का कोई सामान, तो फिर खर्च कैसे हो गए? बोला ना खर्च हो गए। लगता है वो चावल इसी पैसे से लेकर आए थे। यहाँ बड़ा घमंड दिखा रहे थे पैसों का, और घर में खाने को अनाज नहीं। इतने पैसे तो शायद आज ही का सामान लेने में खत्म हो जाएंगे, फिर कैसे चलेगा? आप तो बहुत दिनों से बाजार भी नहीं जा रहे हैं। सेठ जी आपको और कंबल बनाने का आदेश देने वाले थे। आप काम नहीं करेंगे, बाजार नहीं जाएंगे, तो पैसे कहां से कमाएंगे? क्यों चिंता करती हो कावेरी, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा चलो, मैं कल सुबह बाजार जाऊंगा, ठीक है, और सेठ जी से मिलकर कितना कंबल बनाना है उसका आदेश ले लूंगा। अब तो खुश? चलो अच्छा है, कम से कम इसी बहाने कल ये द्वार कमाई से तो दूर रहेंगे। अच्छा चलो अब जाओ, वरना दुकानें बंद हो जाएगी। ठीक है। और वहीं तुम्हें पता था ना, तो तुमने दादा को क्यों नहीं बताया? और मुझे बता देती तो वो गंदी चीज मैं भी नहीं पीती। खैर अभी छोड़ो, तुम शांत हो जाओ। मुझे लगा कि पैसे रोक लोगे। वाइनी, खैर शांत हो जा, शांत हो जा वाइनी। मैं दादा से बात करती हूँ। हाँ दादा, दादा वो केशव नहीं चलो। अगर तुम ये चाहती हो कि मैं केशव को घर लेकर आऊं तो ये संभव नहीं है। उसे अपने गलती का, अपने भूल का एहसास होना चाहिए, पछतावा होना चाहिए। क्या नहीं किया जो मैंने उसके लिए? जो दिया वो सर्वश्रेष्ठ था। शिरडी में सबसे अच्छे कपड़े केशव के होते थे, नए नए खिलौने उसके लिए आते थे। शिरडी क्या, बंबई पुणे जैसे शहरों में पिता अपने बेटे को जो नहीं दे पाते, वो सब सुख सुविधा मैंने केशव को दी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था मेरा बेटा, मेरा
मेरा सर ऊंचा करेगा। लेकिन क्या किया उसने चू, क्या किया? लेकिन दादा, एक शब्द नहीं, एक शब्द नहीं चू। कुलकर्णी सरकार का बेटा शराबी नहीं हो सकता। मेरा बेटा लाखों में एक है। अगर वो घर वापस आना चाहता है, यहां रहना चाहता है, तो उसे वही करना होगा जो मैं चाहूंगा, मैं कहूंगा। बहुत हो गया, रहने दो बाहर। रात भर घर के बाहर रहेगा तो पता चलेगा उसे आटे दाल का भाव। समझ में आएगा उसके, जो उसे ऐश्वर्य मिल रहा था वो उसके पिता ने उसे दिया हुआ था। फिर आएगा चलकर वापिस अपने घर। से थोड़ी देर यहीं आराम करने लो। साई, ये इतना बीमार कैसे हो गया? अरे बीमार तो होना ही था, अगर इतनी शराब पिएगा तो और क्या होगा। हाँ? तो रात में मैंने इसे नशे की हालत में दूध देखा था, रास्ते में खड़ा खड़ा बड़बड़ा रहा था, और इसकी माँ इसे ढूंढते ढूंढते वहां आई। ये तो चलने की हालत में भी नहीं था। इसकी मां ने मुझे कहा इसे घर पहुंचाने के लिए, तो मैंने इसे घर पहुंचाया। अपने बेटे को इस हाल में देखकर रुक्मणी काकी तो टूट गई होंगी। साई, तुम सही थे। अगर हम किशोर के दोस्त थे तो हमें उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर हमारी दोस्ती सही थी तो मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। मैं समझ जाती कि केशव हमारे साथ ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे शराब की लत लग गई है। हमें पता भी कैसे चलता जिपरे, रहा चलते दो चार बार मुलाकात हुई होगी इससे। एक बार तो जमीन पर गिरा पड़ा था, मैं इसे घर तक छोड़कर आया। अब मेरी समझ में आ गया है कि शायद उस दिन भी ये नशे में था। जी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई इतना कैसे भटक सकता है, और वो भी केशव जैसा लड़का जो बचपन में इतना सीधा साधा था। केशव को तो जीवन में कोई दुख कोई परेशानी नहीं थी। हाँ जिपरी, तुम एकदम सच कह रही हो। गांव भर में केशव के पास ही सब कुछ था, और सबसे अच्छा था। फिर पता नहीं कैसे गलत रास्ते पर भटक गया। साई, अब हम केशव का क्या करें? क्या हम उसे घर छोड़कर आए? मैं घर नहीं जाऊंगा, नहीं जाना है मुझे घर। साई, अगर ऐसा है तो इसे मैं अपने घर ले जाऊं? हाँ। Oh,
आज भोजन मिलेगा हमें। जी सरकार, सरकार केशव का पता चल गया सरकार। कहाँ पड़ा मिला वो? पड़ा हुआ नहीं सरकार, वो तो पाटिल के घर पे है। वहाँ क्या कर रहा है वो? वो पाटिल का बेटा है ना तात्या, वो उसे अपने साथ ले गया। हरिओम हरिओम। एक तो शराब पी ली, ऊपर से उस पाटिल के घर चला गया। अब उसे भी पता चल जाएगा कि कुलकर्णी सरकार का बेटा शराबी है। प्रतीत होता है मेरे मान सम्मान की धज्जियां उड़ाने के लिए इसे पाल पोस के बड़ा किया है मैंने। रुक्मणी जी, उस दिन जब केशव गिर पड़ा था तो तात्या उसे घर पे लेके आया था ना? जी, तात्या भी केशव के लिए बहुत चिंतित था। हरिओम। आजकल तात्या और केशव बहुत साथ रहने लगे हैं, जरूर कोई गड़बड़ है। सर में दर्द नहीं हो रहा है? नो हैंगओवर? काफी लंबे समय के बाद मैं खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूं। लेकिन मैं हूं कहां? ऐसे कैसे कर सकता है किशोर? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि केशव शराब पीता है। प्रणाम साई। प्रणाम साई। राम जी भला करें। तुम्हारा दोस्त अब कैसा है? अब तक जागा नहीं, उसे देखकर तो लग रहा है कि कल से बेहतर है। आपको बताने आने ही वाला था मैं। साई, ये आपने अच्छा किया कि केशव को तात्या के साथ यहां भेज दिया। अपने दोस्त के साथ रहेगा, अकेला महसूस नहीं करेगा। मुझे तो तात्या की चिंता हो रही है। तू तो जानता है कुलकर्णी को, बात बात पे गुस्सा आता है उसे। वैसे भी वो तुम पे चिढ़ा रहता है, मौका ढूंढता है कब सजा दे तुझे। अगर उसे पता चल गया ना तो हमारे ऊपर कोई ना कोई मुसीबत तो आएगी। उल्टी खोपड़ी का है वो, ये नहीं सोचेगा कि हम केशव की मदद कर रहे हैं। वो ये सोचेगा कि हम केशव को बिगाड़ रहे हैं, उसके विरुद्ध भड़का रहे हैं। पर आई, किसी के डर से किसी की मदद करना हम छोड़ तो नहीं सकते ना। और ऐसे समय में अगर दोस्त उसका साथ नहीं देंगे फिर और कौन देगा? वो सब मुझे नहीं पता। इससे पहले कि हम पे कोई मुसीबत आए, जितनी जल्दी हो सके केशव को उसके घर पे छोड़ दो। केशव, केशव रुको। केशव, आज की बात का बुरा मत मानो, कम से कम नाश्ता तो करके जाओ। केशव, केशव। आई, आपको केशव को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। देखिए चला गया ना वो। जाता है तो जाए, मैं हमेशा किसी और के बेटे से पहले अपने तात्या की चिंता करूंगी। आजी, मुझ पर कैसे कोई मुसीबत आएगी? मैंने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा तात्या,
केशव की मदद करके तुमने अपने दोस्त होने का कर्तव्य निभाया है। भले ही केशव का रवैया तुम्हारे लिए अच्छा ना हो, लेकिन तुमने उसकी मदद की और यही सच्चाई का पथ है। तुमने सच का पथ नहीं छोड़ा। सच्चाई के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, अक्सर लोग डर जाते हैं इस पर चलने से। एक बात हमेशा याद रखना तात्या, जब तुमने कुछ गलत किया नहीं तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। निडर होना चाहिए तुम्हें, लोगों की आंखों में आंखें डालकर आत्मविश्वास के साथ जो सच्चाई है वो कहो। याद रखना, एक झूठा इंसान कभी भी एक सच्चे इंसान से आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकता, नजर नहीं मिला सकता उससे। मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा साई। राम जी भला करें। मैं क्या कह रही हूँ दादा, तुम जरा जरा शांति से सोचो। दादा केशव इस घर का बेटा है, कुलकर्णी सरकार का बेटा, दूसरों की दया पर पल रहा है। इसमें तुम्हारी ही शान जा रही है दादा। उसने तो पहले ही मान सम्मान की धज्जियां उड़ा दी है, अब रह क्या गया है क्यों? नहीं दादा, दादा ऐसा नहीं है। दादा तुम समझ नहीं रहे हो। दादा मुझे बताओ, शिरडी में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें पता है वो शराब कैसी दिखती है, कैसी होती है, उसकी गंध कैसी होती है? कितने लोगों को पता है? हाँ, यहां तक कि मुझे भी नहीं पता था। और मैं शरबत समझकर पी गई। खैर जाने दो। दादा मुझे बताओ, अगर किसी ने केशव को नशे में देख भी लिया तो किसे पता चलेगा? हमें भी तो यही लगा था ना कि केशव बीमार है, लगा था या नहीं? मगर अगर दादा तुम उसे ऐसे छोड़ दोगे, घर से निकाल दोगे, तो जरूर पता चलेगा लोगों को। सोच लो दादा, खबर बनने से पहले तुम खबर को दबा सकते हो। मुझे तो लगता है तुमने केशव को जाकर वापस लेकर आना चाहिए। अंता जी। सरकार, दादा केशव। रुको, पी के नहीं आयो? नहीं। एक बात सच सच बताओ,
शिरडी में तुम वर्षों के बाद आए हो, फिर तुम्हें शराब की भट्टी का कैसे पता चला? क्योंकि जब तुम आए थे तो प्राथमिक दिनों में तो ठीक ठाक ही थे, तो भट्टी का रास्ता किसने बताया? कौन लेके गया तुम्हें वहां पे? उत्तर दो। आजकल तात्या के साथ बहुत मेल जोल बढ़ गया है तेरा, हाँ? कहीं उसने तो पता नहीं बताया, या वो स्वयं लेके गया तुम्हें वहां पे? पिताजी के गुस्से से बचने का एक यही उपाय है, सारा इल्जाम किसी और पर लगा दूं। बड़ा जी पिताजी, तात्या ने ही दिखाया था। तो अंदर जा। हरिओम हरिओम। मैं जानता था मेरा बेटा खुद ये नहीं कर सकता। तात्या ने केशव को बिगाड़ा है, वो उसे बर्बाद करना चाहता है। जा, अप्पा और उसके बेटे तात्या को लेकर आओ यहाँ पर। सांप और सपोले का सिर मैं आज ही कुचलना चाहता हूँ। जाओ। जी सरकार। तो मुझे साई की सेवा करने का कुछ समय मिलेगा। अब हमारी उम्र हो चुकी है। सुबह हुई नहीं कि साई से चिपक गया। अगर यही हाल रहा तो मैं तो शर्त हार जाऊंगा। बुढ़ापे ने हमें कमजोर कर दिया है। मेरी पत्नी की नजर भी कमजोर हो गई है। बस यूं समझिए कि लगभग अंधी है। लेकिन क्या करें, पानी के बिना घर का कोई काम नहीं होता, और अकेले पानी लाना हम में से किसी एक के बस में नहीं है। इसलिए हम मिलकर एक दूसरे का सहारा लेकर चलते हैं। इससे पहले कि अब्दुल इनकी मदद करके वाहवाही लूटे, मुझे ही कुछ करना होगा। दो लोग हैं, पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती हमें। हम लोग एक ही बार में जितना बन पड़ता है ले जाते हैं। लाइए मैं कर देता हूँ। जी मेरे हो तो आप लोग क्यों भोजा उठाएंगे? लाइए बाबा, मुझे दीजिए बर्तन। लाइए माँ जी, लाइए। अरे बेटा, तुम अकेले इतने सारे? अरे माँ जी चिंता मत कीजिए, मैं इनमें पानी भर के आपके घर तक पहुंचा दूंगा। साई, मैं इनकी सेवा कर सकता हूँ ना? मैं जानता हूं राणू जी भाई साहब कि आप क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। शिरडी से बाहर तो आपको ही जाना पड़ेगा। ये गलत है, हम कब से इंतजार कर रहे हैं? ये सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। सब्र रखो तात्या, यहाँ ऐसे ही होता है।
किशनलाल, सरकार कृपा करके थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, आजकल पैसों की तंगी चल रही है। तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, वो भी तुम्हारी मदद करता होगा। वो क्या मदद करेगा इसकी, वो तो खुद इसके ऊपर बोझ बना हुआ है। सुना है इसका बेटा गलत संगत में पड़ के जुआ खेलने लग गया है। उधर बेटा जुए में पैसा उड़ा रहा है और इधर बाप कर्जा चुकाने से भी मना कर रहा है। जुआ खेलने के लिए तेरे बेटे के पास पैसे हैं, लेकिन ब्याज का भुगतान चुकाने के लिए नहीं। चुका तो दूं, लेकिन क्या करूं, वो सारे पैसे चुरा लेता है। ऐसे बेटे को तो मार मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। सुन, कल तक पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे खेत का अनाज बेच के पैसे वसूलूंगा मैं। अरे ओम, पाटिल और उसके बेटे को अंदर भेज और तू जा। जी सरकार। पाटिल जी, आपको और तात्या को सरकार ने अंदर बुलाया है। मैं मदद करूं? नहीं अब्दुल, इतना भी भारी नहीं है, मैं उठा सकता हूं। मदद तो मैं तुम्हारी करूंगा अब्दुल, शिरडी से बाहर जाने में। रानो जी, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? अरे नहीं साई, मेरे हो तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इतना बोझा उठाने की मेरी आदत है, मैं रोज इससे भी वजनी कंबल के गट्ठर उठाकर बाजार में जाता हूँ। साई, आज आप जान जाएंगे कि मुझ में भी ताकत है। कहाँ है आपका घर? साई रुकिए, इन्हें इस पे बिठा देते हैं। नमस्ते कुलकर्णी सरकार, मैंने तो आपसे कोई कर्जा नहीं लिया, फिर क्या समस्या आ गई कि हम दोनों को आपने यहां बुला लिया? समस्या तो है पाटिल जी, और जटिल भी है। बात यह है कि अगर ऋण हो, ब्याज हो, तो उसकी वसूली सरल होती है, लेकिन कुछ कृत्य ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई ना पैसों से होती है ना वस्तुओं से। तो बताइए, ऐसे कृत्यों की भरपाई कैसे की जाए? क्या कह रहे हैं, जरा साफ साफ कहिए। साफ साफ कहूंगा,
आपके इस कपूत ने मेरे सपूत को शराब की लत लगा रखी है। मैं ऐसा क्यों करने लगा? मैंने तो आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया है। अच्छा, तो तू सच कह रहा है और मेरा बेटा झूठ? केशव, नीचे आओ और अपने पिताजी को बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। यहाँ मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ, बताएगा वो बताएगा, सच बताएगा। केशव, नीचे आ जाओ। बोलो केशव, दात्या ही थाना जो तुम्हें वहां ले गया था? केशव बताओ, मैं तुम्हें ले गया था? हाँ। केशव, ये क्या कह रहे हो? मैं सच ही तो बोल रहा हूं। क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए थे? भट्टी कहाँ है ये तुमने मुझे नहीं बताया? हाँ, लेकिन मैं बस तो... और कुछ नहीं सुनना है मुझे। देख लिया पाटिल जी? सुन लिया? आपके बेटे ने आपके सामने स्वीकार कर लिया। तात्या ने आज तक उस शराब की भट्टी पर कदम भी नहीं रखा। शराब को छूने की बात तो दूर की है। अच्छा, इसका अर्थ ये है कि तात्या ने मेरे बेटे को बिगाड़ने के लिए ये सब किया? क्यों? तात्या, सच सच बता, ये सब करने के लिए तुम्हारे पिताजी ने तो नहीं कहा तुमसे? बोलो। बाबा तो शिरडी में थे भी नहीं, और वो ऐसे इंसान है जो सपने में भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते। और रही बात केशव को बिगाड़ने की, तो मैं इसे शराब की भट्टी पर नहीं ले गया था। हाँ, नगर जाते समय मैंने इसे जरूर बताया था कि उस छोटे वाले रास्ते से शिरडी का कोई भी इंसान नहीं आता जाता, क्योंकि उधर शराब की भट्टी है। मैंने इसे प्रोत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि खतरे से आगाह करने के लिए बताया था। झूठ बोल रहा है तो? अभी सत्य का पता चल जाएगा, वो देखो। रुको, तुम दोनों बहुत जल्दी में हो, कम से कम मेरी खातिर थोड़ा धीरे चलो। जी साई, जरूर साई। विजय माँ जी, रख दिया पानी। अब से मैं रोज आपके लिए पानी भरकर लाया करूंगा। आपका घर रास्ते में ही पड़ता है तो मुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी। बेटा, हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार, आपने मुझे बुलाया, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? हरिओम, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल सच बताना है। यह है मेरा बेटा केशव।
क्या ये तुम्हारे भट्टी पे दारू पीने आया था? मर गए, ये तो कुलकर्णी सरकार का बेटा है, अब क्या जवाब दूं? जवाब दे। जी सरकार, आए थे पिछले कुछ दिनों से आ रहे थे ये। क्या केशव को पहली बार तुम्हारे पास लाने वाला ये लड़का था? मैं तो आज इसे पहली बार देख रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या मैंने आपकी भट्टी पर आज तक कदम भी रखा है? केशव अकेला आया था ना? हे भगवान, केशव तो उनको झूठ बोलने के लिए इशारा कर रहा है। हमारा एक बेटा है, वो काम की वजह से हमसे दूर शहर में रहता है। मिलने तो आता ही रहता होगा। आता है, साल में सिर्फ एक ही बार, और वो भी कुछ दिनों के लिए। वो शहर में जाकर बदल गया है साई, तो वहां की हवा लग गई उसे। हम उससे कहते हैं कि यहाँ आकर काम कर ले, तो कहता है अगर वापस बुलाना था तो फिर भेजा ही क्यों। और जब हम उससे कहते हैं कि अगर तू नहीं आ सकता तो हमें ही वहां शहर वाले घर में रख ले, तो बोलता है घर छोटा है, जगह नहीं है। अरे अरे, इसी एक कमरे की झोपड़ी में वो बड़ा हुआ है। जब वो छोटा था ना, तो रात को सो नहीं पाता था, क्योंकि मुझे जोर जोर से खर्राटे आते थे, इसलिए उसे दिन में नींद आती थी। पढ़ाई में थकान होती थी, तब मैं कमरे के बाहर सोने लगा। जब वो कुछ बड़ा हुआ ना, तो उसे सोने में दिक्कत ना हो, तो मेरी पत्नी ने भी कमरे में सोना छोड़ दिया। और अब कहता है कि शहर वाले घर में हमारे लिए जगह नहीं है, जगह नहीं हमारे लिए। उसकी राह देखते देखते तो मेरी आंखें पथरा गई, रोशनी जाती रही इन आंखों से, लेकिन वो तो शहर के चकाचौंध में कहीं खो गया है। अरे, अपना दुखड़ा सुनाने के चक्कर में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। आज मेरे घर में मेहमान आए हैं, उन्हें कुछ जलपान करवाऊं। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप परेशान मत हो। मेहमान तो भगवान होते हैं, और भगवान की सेवा में कैसी परेशानी। मैं अभी आई। लीजिए लड्डू लीजिए। ऐसा लगता है जैसे केशव ने इस लड़के पर इल्जाम लगाया है। अगर मुझे यहाँ से हड्डी पसली तुड़वाए बिना सही सलामत जाना है तो मुझे वही कहना चाहिए जो सरकार कह रहे हैं। आप तो ये झूठ ही बोलेंगे। जब तुमने कुछ गलत किया नहीं तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। निडर होना चाहिए तुम्हें, लोगों की आंखों में आंखें डालकर आत्मविश्वास के साथ जो सच्चाई है वो कहो। याद रखना, एक झूठा इंसान कभी भी एक सच्चे इंसान से आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकता।
बोलिए ना, खामोश क्यों है? सरकार को जवाब दीजिए, क्या मैं लाया था केशव को आपके पास? साई, आज बहुत दिनों बाद इस झोपड़ी में रौनक आई है। वैसे तो यहाँ कोई आता जाता नहीं, आज तुम आए, तुम्हारे साथ दो मददगार भी आए। दोनों ने हमारी मदद की। जी चाहता है अपने हाथों से मैं तुम्हें लड्डू खिलाऊं। लो साई, लड्डू खा लो। जैसी आपकी इच्छा। आगे आओ माई, थोड़ा ताएं। थोड़ा सा भाई, थोड़ा था है। थोड़ा सा दाएं। ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं चाहकर भी झूठ क्यों नहीं बोल पाया? सोच समझ के जवाब देना। झूठ का ऐसा दंड मिलेगा आजीवन भूल नहीं पाएगा। तो तात्या ही था ना जो केशव को तुम्हारे पास पहली बार लेके आया था? सच बताओ। नहीं सरकार, इसको मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपका लड़का अकेला ही आया था मेरे पास। सुन लिया ना सरकार, मैंने कहा था ना, अब विश्वास हुआ? फित्ता जी, ये झूठ बोल रहा है। इसमें जरूर तात्या की कोई चाल है, क्योंकि तात्या को तो कल शाम ही पता चल गया था कि आपको मेरी शराब की आदत के बारे में खबर मिल गई है। तात्या ने इसको रिश्वत खिलाई होगी ताकि ये यहां आकर झूठ बोले। केशव की बात सही है, तात्या के पास पर्याप्त समय था योजना बनाने के लिए। अब सत्य ज्ञात करने का एक ही विकल्प है। अंता, कुलकर्णी सरकार के सामने झूठ बोलता है? नहीं, मैं कुलकर्णी सरकार के सामने झूठ बोलता है? कुलकर्णी सरकार के सामने? हाँ, मैं झूठ बोला। इसकी सजा मिलेगी। मैं झूठ बोला, मैंने कुछ झूठ बोला। और सरकार ये तो सच बोल रहा है। हाँ हाँ, ये सच्चा है ना, तो मार खाने से डरेगा नहीं। मार अंता। कुलकर्णी सरकार से झूठ बोलता है?
सरकार, यह अंगूठी तो वैसी ही है जैसे आपने छोटे सरकार को जन्मदिन पे दी थी। हाथ दिखा। निस्संदेह ये केशव की अंगूठी है। सरकार, ये चोर है, इसकी गवाही झूठी मानी जाएगी। चोरी, झूठ बोलता है। चोर नहीं हूं मैं, कोई चोरी नहीं की मैंने। ये केशव पानी की तरह शराब पीता है, शराब के लिए कुछ भी कर सकता है। उस दिन इसके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं थे तो इसने अपनी अंगूठी मेरे पास गिरवी रख दी। ये लो, सोने की है, लेकिन याद रहे कि इसे बेच नहीं रहा हूं, गिरवी रखवा रहा हूं। पैसे देने के बाद इसे वापस ले जाऊंगा। और अगर अब भी आप लोगों को मेरी बात तो विश्वास नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चाहे मार मार कर मेरी जान ले लीजिए, लेकिन सच यही है। लड्डू बहुत स्वादिष्ट है माई, एक और मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो साईं। देखा आपने, साईं को लड्डू बहुत अच्छा लगा। मुझे दिख रहा है, मैं देख पा रही हूँ तुमको साफ साफ। सुना आपने? मैं आपको भी देख सकती हूँ, मैं इसको भी देख सकती हूँ, और इसको भी देख सकती हूँ, और मैं साई को भी देख सकती हूँ। साई इतने दिनों बाद सब कुछ देख सकती हूँ साईं। मेरे लिए तुमने इतना कुछ किया साईं, और इन दोनों ने भी। माई, मैं कौन होता हूं मदद करने वाला? तो वो मालिक है। आज तक आप अपने बेटे का इंतजार करती रहीं, पर आज आपने देखा कि किसी की मदद करने के लिए बेटा होने की
खून का रिश्ता होने की कोई जरूरत नहीं है। जो सही वक्त पर आपकी मदद कर दे एक बेटे की तरह, वो उस वक्त के लिए आपकी संतान ही तो होता है। और अगर आप मदद लेना चाहते हैं तो इस शिरडी में बहुत से बेटे बेटी ऐसे हैं जिन्हें आपकी मदद करके बहुत खुशी मिलेगी, बहुत संतोष मिलेगा। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए, कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई साई ओम साई ओम। सरकार, आपने ही कहा था ना कि अगर वो सच बोल रहा है तो वो मार खाने से नहीं डरेगा। और कितने सबूत चाहिए आपको? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है सिवाय आपके बेटे की मदद करने के, और इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है क्योंकि वो है ही ऐसा। उसकी आई और मैंने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपने संस्कार नहीं भूलता। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो अपने उसूलों पर चलता है। सरकार, हर पिता चाहता है कि उसकी संतान उसी की तरह हो, और तात्या है भी मेरी तरह, बस उसमें आई की अच्छाइयां कुछ ज्यादा है। जब जब मैं इसे देखता हूं ना, तब मुझे गर्व और अभिमान नहीं होता। भगवान के सामने मेरा शीश विनम्रता से झुक जाता है, मैं कृतज्ञता पूर्ण हो जाता हूं। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन से जन्म में मैंने इतने पुण्य किए हैं। जो ऐसे पुत्र का पिता बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। सरकार, आपके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं। मेरे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इज्जत है। आइंदा से हम पर दोष लगाने से पहले, हम पर लांछन लगाने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखिएगा। चलो तात्या। तू यहां क्यों खड़ा है? चल भाग यहां से। कितना कुछ बोल के गया मुझे, मैं केवल सुनता रहा, एक शब्द भी नहीं बोल पाया। केशव, तेरे कारण मुझे अपमानित होना पड़ा। नहीं चाहिए तुझ जैसा कपोत मुझे।
निकल जा मेरे वाड़े से अभी इस क्षण। आज से तेरा इस वाड़े से और यहां के लोगों से कोई संबंध नहीं। निकल जा। अगर तू उसके पीछे गई तो वापस आने के बारे में सोचना भी मत। मुझे कुछ काम आ गया है याद, मैं आता हूं अभी। अब बाजार के लिए बहुत देर हो चुकी है, इस समय घर गया तो कावेरी घर सर पे उठा लेगी। आसपास घूम के शाम को जाऊंगा घर, ताकि कावेरी को लगे कि मैं बाजार गया था। आप यहां क्यों आए हैं साहब? आपके कारण मेरी ये दुर्गति हुई है। अब क्या आप मेरी जान लेकर मानेंगे? चले जाइए आप यहां से, मैं आपको कोई शराब नहीं देने वाला। तुम्हारी वजह से मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया गया। इशारा किया था ना तुम्हें, झूठ क्यों नहीं कहा तुमने? सब तुम्हारी गलती है, इसलिए मैं अब रहूंगा भी यहीं और पीऊंगा भी। मुझे माफ कर दो साहब, क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? यहां से कहीं नहीं जाने वाला हूं मैं। मुझे घर से निकाल दिया गया है तो यह मत समझ लेना कि यहां पर मुफ्त में खाना खाने और शराब पीने आया हूं मैं। तुम्हारे खाने और शराब के बदले में काम करूंगा मैं। वाह जी वाह, मानना मान, मैं तेरा मेहमान, मुझे नहीं रखना आपको काम पे। चले जाइए आप यहां से। नहीं गया तो क्या कर लोगे? हाँ, जबरदस्ती निकालोगे, मारोगे मुझे? याद रखना, मैं कुलकर्णी सरकार का बेटा हूं और उन्होंने मुझे सिर्फ घर से बाहर निकाला है, रिश्ता नहीं तोड़ा है। अगर उन्हें पता चला कि उनके बेटे को तुमने हाथ भी लगाया है तो सोच लो क्या हाल होगा तुम्हारा। जो कह रहा है सुन ले, करने दे मनमानी। लाट प्यार से पला हुआ छोकरा है, एक दो दिन से ज्यादा यहां नहीं रह पाएगा। अब बताओगे भी क्या करना है मुझे? हाँ, चलिए चलिए बताता हूं। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना, वही हुआ ना। चाहे कुछ भी कर लो, कुलकर्णी सरकार दोष तुम्हें ही देंगे। अरे उनके बेटे की मदद ही नहीं करनी चाहिए थी। और तात्या तू
तू आज के बाद उस लड़के से मिलने की कोशिश भी नहीं करेगा, समझा? अज्जी, किसी के डर के कारण हम लोगों की मदद करना तो नहीं छोड़ सकते ना। भाई, तात्या सही तो कह रहा है। और फिर हम अपना स्वभाव क्यों बदले? साई सही कहते हैं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और हुई भी। और अंत में उन्हें भी तो पता चल गया कि सच क्या है। हर बार किस्मत साथ नहीं देती है बेटा। अगर हमें पता है कि आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, तो हमें उससे दूर रहने भी भलाई है। आज तो बच गए, फिर क्या भरोसा है कि आने वाले कल में वो लोग तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश ही ना करें? साई, प्रणाम। साई राम जी भला करें। आपकी दी हुई सीख के कारण आज मैं निर्दोष साबित हो गया। आपने जो कहा था वो सब मुझे याद था। जानते हैं, जब मुझ पर आरोप लगाया गया तो मैंने भट्टी के मालिक की आंखों में आंखें डालकर बोला और उसे सच बोलना पड़ा। का चमत्कार था ना साई? अब मैं समझ गया, मुझे अपने अंदर आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी महसूस हुई थी। अजी, आप कह रही थी ना कि हर बार किस्मत साथ नहीं देती। सच कहूं, मुझे किस्मत के साथ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरा सच है और मेरे साई। और जिसके साथ साई है उसे किस बात की फिक्र? साई, मुझे केशव की फिक्र है। केशव के लिए तुम्हें अधिक फिक्र करने की जरूरत नहीं है तात्या, क्योंकि वो अपने आत्मबोध के बहुत करीब पहुंच चुका है।